कितना भी बड़ा किसान हो जाए, कितना पैसे वाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने कल्चर को नहीं भूलता। ये देख लो, ये मिल गया चूल्हा, एक ये और एक ये, गजब मकान है भाई। ये देख लो आप, यहाँ से, यहाँ से देखो भाई साहब, यहाँ क्या है ना, हमारे एरिए में भी ये लिम्पी आनी स्टार्ट हो गई है। ये देख लो, थोड़ा लिम्पी का इसमें असर है गाय में। कमेंट करके बताएं बढ़िया इलाज, ठीक है? अगर नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव बेहड़ा थ्रू, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ में ऋषि पाल जी के मकान पर। पूरे गांव में इनसे बेहतरीन मकान किसी का नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं, देख लो कितना बेहतरीन मकान है, ठीक है जी। और जो इनके दोनों लड़के हैं वो फौज में हैं, ठीक है जी, फौजी भाई का मकान भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मकान बनाया है, पूरे बेहड़ा में ऐसा मकान नहीं है, आप ये देख लो, ठीक है, यहाँ से लेकर पीछे तक ये मकान है। कितना एरिया है पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक है? तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है जी। आप इस मकान का फ्रंट देख लो, कितना बढ़िया लगता है यहाँ से, ये देख लो, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है जी। और ये देख लो जी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और किसान भाई, यहाँ आने का मकसद मकान दिखाना तो है ही, सबसे बड़ी बात, दोनों भाई ऋषिपाल जी के लड़के इकट्ठे रहते हैं। इनके पिताजी के पास मात्र 20 बीघे जमीन थी, ठीक है, इन दोनों भाइयों ने काफी मेहनत की है, अपने मेहनत के बल पर ये इतना सुंदर मकान बनाया है और 20 बीघा जमीन और बढ़ाई है। अब इनके पास 40 बीघा जमीन है, ठीक है जी, और कुछ मतलब 1 बीघे में शानदार मकान बना हुआ है। और इस मकान को बनाया था किसान भाइयों, ये मकान बनना स्टार्ट हुआ था 2011 में, और 2014 में बनकर ये कंप्लीट हुआ। बहुत ही बेहतरीन मकान है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो आर्किटेक्चर कोई नहीं था, भोपा का एक सिंपल मिस्त्री था, उन्होंने ही इसका आर्किटेक्ट मतलब आप देख सकते हैं डिजाइन दिया है। बहुत ही बेहतरीन मकान है। एरिया की अगर बात करूँ तो 1 बीघा इस मकान का एरिया है, आप यहाँ से देख लो। पहले मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ, सबसे बढ़िया इस मकान का ये फ्रंट और साइड से लगता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है जी। फिर अंदर चलेंगे, आपको इनका इंटीरियर वगैरह दिखाएंगे। और सामने आप देख सकते हैं ये गार्डन टाइप बना है, ये भी काफी अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके आगे इन्होंने जो एरिया छोड़ा है ना खाली, वो भी मकान की सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देता है, ठीक है जी। और आप इधर से देख सकते हैं, इधर से देखो कितना सुंदर लगता है, इधर से मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा, यहाँ से देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में, इस साइड से भी और उस साइड से भी, इधर से आप देख सकते हैं। ये देख लो, गजब मकान है भाई, ये देख लो आप, यहाँ से देखो, बहुत ही बेहतरीन, ये देख लो, ठीक है। ये इसका लेफ्ट साइड का एरिया है, आप देख सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं, बाहर से मैंने दिखा दिया आपको कवर, ठीक है। किसान भाई का मकान है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी, ये देख लो, ये हम अंदर आ गए। नीचे इसमें भाइयों, नीचे इसमें पत्थर का वर्क किया गया है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं पत्थर लगाए गए हैं, ठीक है जी। और ये आप इधर से देख लो, सिंपल वर्क है ऊपर पीओपी का सीलिंग पे, सिंपल और सोबर। और भाइयों, इस मकान को बने हुए 8 साल हो गए, लेकिन इस मकान की, इस घर की सुंदरता आज भी कम नहीं हुई। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं इनके घर वाले, आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। 8 साल में मकान ऐसा मेंटेन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देख लो जोड़ी, देख लो जी, बेहतरीन जोड़ी है, ये देख लो। ये अंदर चलते हैं हम, और ये इनकी खतरनाक यहाँ पे कुतिया बंदी है, कौन सी नस्ल है जी? रोड व्हीलर है भाई ये, ठीक है। और यहाँ से पीछे तक आप देख रहे हो ना, ये मकान ही है, ठीक है। इस मकान का फ्रंट तो थोड़ा कम है, गहरा ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, ये हम आपको इनका ये ड्राइंग रूम दिखा देते हैं, ये देख लो, नीचे इसमें पत्थर का वर्क है, और ये इधर से देख लो, सिंपल ब्लू कलर किया गया है, ऊपर बिल्कुल सिंपल सोवर पीओपी, क्योंकि 8 साल पहले पीओपी चलती थी, ठीक है, पीवीसी वगैरह तो अब आई है ट्रेंडिंग में, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मकान है भाई, ठीक है जी। और चलिए और दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है जी, ये देख लो, यहाँ भी बैठने का इन्होंने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन है ये भी, ये देख लो आप,
इंटीरियर में आपको दिखा देता हूँ इनका, ये देख लो, ये आप देख सकते हैं, बड़ी सिंपल, ठीक है। और आज ये मेरा ड्रोन भी भैया टूट गया, ठीक है, ड्रोन मेरा गया टूट आज, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं परवीन भाई है क्या, अच्छा ये देख लो जी। और ये इस मकान का दूसरा गेट है, ठीक है, ये दूसरा गेट है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, इस घर का सबसे सुंदर पार्ट ये लगता है, ठीक है। उधर से मैंने आपको दिखाया, बहुत ही बेहतरीन बनाया भाई का, बहुत शौक से बनाया मकान ये, आप देख सकते हैं। और ये उधर पीछे तक है, ठीक है जी। और यहाँ आप देख लो, ये इनका पशुधन है, एक बीघा ये एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनके पास ट्रैक्टर है आईसर, 40 बीघे ज़मीन में अच्छा काम करता है आईसर, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, ठीक है। और अब ये देख लो भाई साहब, यहाँ क्या है ना, हमारे एरिया में भी ये लिम्पी आनी स्टार्ट हो गई है, ये देख लो, थोड़ा लिम्पी का इसमें असर है गाय में, कमेंट करके बताएं बढ़िया इलाज, ठीक है। अगर कोई किसान भाई हमारी वीडियो देख रहा है, लिम्पी का सस्ता और अच्छा इलाज हमें बताएं, सब भाइयों की मदद हो जाएगी। ये देख लो, इतनी नहीं है पर धीरे धीरे हमारे तरफ आ रही है ये लिम्पी, इसका इलाज वैसे चल रहा है गाय का, ठीक है जी। ये देख लो आप, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब ऊपर से दिखा देते हैं हम आपको, और पूरा गांव भी आपको दिखाएंगे। इस गांव की अगर मैं वोट बैंक की बात करूं तो ये जाट बिरादरी का गांव है, और 2500 से 3000 वोटिंग बैंक का एक गांव है, मतलब छोटा सा गांव है, ठीक है जी। चलिए ऊपर से मैं आपको मकान दिखा देता हूं, बहुत ही बढ़िया बनाया भाइयों, शौक से यहाँ पर रेलिंग का वर्क किया गया है, ये देख लो, ये रेलिंग लगाई हुई है स्टील की, ठीक है। और 8 साल हो गए भाइयों इस मकान को बने हुए, आपको एक पत्ता भी नहीं दिखाई देगा, सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मकान को मेंटेनेंस करना है तो आपको सफाई देखनी पड़ेगी और यहाँ रखनी पड़ेगी। और ये जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एल्युमिनियम का वर्क किया गया है, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन। ये देख लो, और ये आ गए हम ऊपर, ठीक है। जैसा कि हम सभी किसान भाइयों का दिखाते हैं, चूल्हा और खाट हर किसान भाई के घर में मिलेगी, कितना भी बड़ा किसान हो जाए, कितना पैसे वाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने कल्चर को नहीं भूलता। ये देख लो, ये मिल गया चूल्हा, एक ये और एक ये, ठीक है जी। और ये देख लो, यहाँ पर भी इन्होंने ये पत्थर का ही काम करवाया है नीचे, और यहाँ से आप देख लो, ठीक है जी, ये देख लो, यहाँ से आप देख लो मकान, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। और बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लो भैया, बहुत ही गजब। और ये चारपाई है, और ये इस मकान का, जैसे राइट साइड में इस मकान की मतलब शो बहुत अच्छी थी, ये भी इस मकान का बहुत ही अच्छा पार्ट है, आप देख लो यहाँ से, ये देख लो, ये जो उसका कलर किया गया है ना, ये भी बहुत बेहतरीन है। और ये जो पैटर्न है, बहुत ही लुक, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका दूर से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन लुक आ रहा है भाई, आप देख सकते हैं, ये देख लो, ठीक है जी। और यहाँ से ये फ्रंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये गार्डन का फ्रंट रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ से आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन। और ये देख लो भाइयों, आप यहाँ से ये देख लो, ठीक है जी, इधर से आप देख लो। और ये पूरा भेड़ा थ्रू गांव है, ठीक है, इस गांव में इनसे बढ़िया बड़ा मकान नहीं है, ठीक है, पूरे गांव में इतना बड़ा मकान, इतना कॉस्टली मकान नहीं है। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया ऋषिपाल जी का मकान। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।